केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद वे पहली बार राज्य के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। वे दोपहर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के जन्मस्थली देवनहल्ली में रोड शो करेंगे। भाजपा सूत्रों ने बताया कि शाह यहां शाम को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। शनिवार को दिल्ली लौटने से पहले वे एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह देवनहल्ली में भाजपा के पिल्ल मुनिशंपा के लिए प्रचार करेंगे। मुनिशंपा मौजूदा जनता दल सेक्युलर विधायक एल एन नारायण स्वामी और कांग्रेस उम्मीदवार के एच मुनियप्पा के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नारायण स्वामी ने कांग्रेस उम्मीदवार में वेंकट स्वामी के खिलाफ 86,966 वोट हासिल जीत दर्ज की थी। वेंकट स्वामी ने 69,956 मत प्राप्त किए थे। भाजपा उम्मीदवार नागेश 9,820 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मतदान 10 मई को होना है और नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।